सब, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। आज का जो वीडियो है, अगेन इट्स अ रिव्यू वीडियो एंड मैंने पहले आपको स्किन केयर के लिए कोलिन क्ले का रिव्यू दे चुकी हूँ, बहुत सारा प्यार मिला है मुझे उसमें एंड थैंक यू फॉर दैट। आज भी मैं कोलिन क्ले के बारे में ही बता रही हूँ। जब मुझे इतना सारा रिव्यू के लिए मुझे कमेंट्स मिला तो मुझे लगा क्यों ना मैं इसको हेयर पे भी ट्राई कर दूं। सो अभी मैं आपको बताऊंगी अगेन कोलिन क्ले का फायदा। वेल, कोलिन क्ले जो होता है इट्स अ काइंड ऑफ क्ले एज आई सेड बिफोर एंड ये आपका हेयर के लिए बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका हेयर ऑयली हो, बहुत ज्यादा इच्ची स्कैल्प हो या बहुत ज्यादा स्वेट होता हो, बहुत लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। माई वीडियोज आर मेनली फॉर मेल एंड फीमेल, तो अगर इधर मेल के बारे में बताना है तो आफ्टर जिम बहुत सारे बॉयज को ये प्रॉब्लम होता है कि बहुत ज्यादा इच्ची स्कैल्प हो जाता है, राइट? अगर वैसा प्रॉब्लम आपको है, दिस इज द बेस्ट क्ले मास्क आई कैन टेल यू, क्योंकि इसमें होता है कि आपका स्वेट को अब्सॉर्ब कर देता है, एक्सेस ऑयल को अब्सॉर्ब कर देता है एंड जो भी छोटा मोटा पिंपल्स हो या रैशेस हो उसको भी ये हटा देता है। आपका बाल में जो जितना मॉइस्चर चाहिए बस उतने को रखे बाकी एक्स्ट्रा ऑयल और मॉइस्चर को लॉक कर देता है। उसके वजह से आपका हेयर बहुत ज्यादा शाइनी, हेल्दी एंड वॉल्यूम, फुल ऑफ वॉल्यूम दिखता है। पहले मैं बता देती हूँ आपको क्या करना है। एक बाउल ले लो, कोलिन क्ले ले लो। कोलिन क्ले आपको बहुत ज्यादा जगह में मिल जाता है, ऑनलाइन भी मिल जाता है, चाहे तो मैं जिधर से मंगाई हूँ उसका लिंक आपको दे देती हूँ, आप ट्राई कर सकते हो, क्योंकि मुझे इसका असर बहुत अच्छा लगा फेस पे एज वेल एज हेयर पे भी। वेल, मैं इधर 1 स्पून ऑफ कोलिन क्ले ले रही हूँ, क्योंकि मैं सिर्फ इसको अपना स्कैल्प पे यूज कर रही हूँ। अभी थोड़े दिन पहले ही मैं इसको अपना पूरा हेयर पे यूज कर चुकी थी, अभी मुझे लग रहा है कि मैं इस बार इसको स्कैल्प पे यूज करूँ। एंड इसको ऐड करने के लिए मैं इधर यूज कर रही हूँ वार्म वाटर, क्योंकि अगर आप एकदम ठंडा पानी लेंगे ना वो थोड़ा ऐसा अच्छे से मिक्स नहीं होता है, मुझे ऐसा फील हुआ। अगर आपको कंफर्टेबल है देन यू कैन यूज कोल्ड वाटर आल्सो, मींस नॉर्मल वाटर। अभी मैं ऐड कर रही हूँ वार्म वाटर, इसमें अच्छे से इसको मिक्स कर दो। इसका कंसिस्टेंसी ज्यादा थिक भी नहीं रहना चाहिए, ज्यादा थिन भी नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको बस इच्ची स्कैल्प है या बहुत ज्यादा ऑयली स्कैल्प है तो आप सिर्फ स्कैल्प पे भी लगाओ चलेगा, नहीं अगर आपको पूरा हेयर पे लगाना है आप इसको पूरा हेयर पे लगा सकते हो। बट मैं आपको बताऊंगी इसको यूज करने का तरीका। सबसे पहले आपका हेयर को अगर ऑलरेडी ऑयल किए हो दैट्स फाइन, अगर ऑयल नहीं किए हो डायरेक्ट यूज कर रहे हो तभी भी, या ऑयल किए हो तभी भी, पहले आपका हेयर को वेट कर दो। मीन्स एक स्प्रे बॉटल में पानी डाल के अच्छे से आपका हेयर पे स्प्रे करो, क्योंकि अगर पूरा ड्राई हेयर पे इसको लगाएंगे ना, आपको पता होगा जैसे मुल्तानी मिट्टी को आप पूरा ड्राई फेस पे लगाती हो जैसा मिट्टी मिट्टी निकल जाता है, राइट? अगर अच्छे से थोड़ा पानी लगा के लगाएंगे ना उसका अब्जर्वेशन अच्छा होगा, अब्जर्व अच्छा करेगा आपका स्कैल्प इसको। इसलिए वेल, मैं इसको और थोड़ा पतला बना देती हूँ कंसिस्टेंसी। इसीलिए आपको पहले आपका हेयर को वेट करना है, उसके बाद देखो इसका कंसिस्टेंसी अभी सही है, ज्यादा पानी पानी भी नहीं है, ज्यादा थिक भी नहीं है, दिख रहा है आपको? वेल, ये कंसिस्टेंसी में बना के आप अपना पूरा स्कैल्प पे लगा दो, अच्छे से स्कैल्प पे लगा दो। इसको मसाज करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस आपको लगाना है, ओके? इसको अच्छे से लगा दो एंड ज्यादातर ज्यादा 10 to 15 मिनट आप इसको रहने दो, उससे ज्यादा रहने का जरूरत नहीं है, क्योंकि जब भी आप कौन सा भी क्ले मास्क बाल पे लगाते हो प्लीज कीप इट इन माइंड, उसको पूरा ड्राई होने मत दो, क्योंकि वॉश करने में भी तकलीफ हो जाता है या आपको बहुत ज्यादा टाइट फील होने लगता है स्कैल्प पे। इसलिए एंड अगर पूरा बाल पे लगा रहे हो अच्छे से पहले कंघी करके हेयर को वेट करो, बाद में इसको अच्छे से लगा दो, ऐसा वॉटरी कंसिस्टेंसी में ही पूरा बाल पे लगा दो 10 to 15 मिनट्स, उसको वैसा ही छोड़ दो, वैसे ही छोड़ के बाद में आपका हेयर वॉश कर दो, दैट्स इट। आप इसको एक बार जरूर यूज करो, इसका यूज बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है, स्पेशली फॉर द ऑयली हेयर एंड स्वेटी हेयर। आपको पिंपल्स है, रैशेस है हेयर पे, बहुत सारे लोगों को हो जाता है, उससे भी इससे छुटकारा मिल जाएगा। सो इसको जरूर एक बार ट्राई करो, बहुत ही सस्ता है, इतना ज्यादा कॉस्टली नहीं है, आपका फेस को भी सूट होगा, हेयर को भी सूट होगा, पूरा बॉडी पे भी ये बहुत यूजफुल है। So if you like it, please do purchase and use it. ये कुछ भी promotional video नहीं है, ये मेरा खुद का review है, मैंने इसको use किया और आपको review दिया। Thank you for watching. Love you all. Take care. Bye bye.